हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। गाइस कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग का एक ऐसा फॉर्मूला जो कि काफी बढ़िया है। इस स्किन वाइटनिंग फॉर्मूले को फॉलो करने से ना केवल आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन पहले से निखरेगा, बल्कि साथ साथ अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह से रिंकल्स, फाइन लाइन्स वगैरह हो गई हैं, एजिंग स्पॉट्स हैं, लाइन्स हैं, तो उन लाइन्स को, एजिंग स्पॉट्स को ये कम करेगा। यानी कि आपकी बढ़ती हुई उम्र से जो आपकी स्किन पर इफेक्ट आ रहा है उस इफेक्ट को कम करेगा, आपकी स्किन को यंगर लुक प्रोवाइड करेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, देख लेते हैं ये स्किन व्हाइटनिंग प्लस एंटी एजिंग फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे बनाना है, कितने दिन तक इसको फॉलो करने से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में छोटू सा बेल आइकन आ रहा है इतनू सा, उसे प्रेस करने से आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। आज की जो रेमेडी मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है ये बनाना। इस बनाना को उस रेमेडी में मैं यूज़ करने वाली हूँ। और बनाना पोटाशियम से भरपूर होता है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है। आपकी हर तरह की स्किन टाइप के लिए, यानी कि ऑल स्किन टाइप वालों के लिए बनाना काफ़ी सूटेबल रहता है। तो आज जो रेमेडी तैयार होगी उसके लिए जो है ना, इतना सा ये पीस जो है ना सफिशियंट है बनाना का, क्योंकि एक टाइम का पैक बना रहे हो तो इतना सा पीस काफ़ी रहता है। और तो इसके आप जानते ही हो कि बनाना के और भी कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। हेयर मास्क में भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आज बात कर रहे हैं हम स्किन व्हाइटनिंग पैक की, तो उसमें मैं इसको अच्छे से इस्तेमाल में लाने वाली हूँ। इसको पील ऑफ कर देना है और स्मैश करके आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। ये अच्छे से हो गया है स्मैश। अब इसके अंदर हमने जो है ना ऐड करना है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है कर्ड 1 स्पून। कर्ड यानी कि दही। दही जो है ये लैक्टिक एसिड से भरपूर होती है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। ये हमारी स्किन को निखारती है, स्किन को ब्राइटन करती है, और साथ साथ अगर हमारी स्किन पर टैनिंग हो जाती है तो टैनिंग को कम करने में कर्ड यानी कि दही काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देती है। स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होती है, आपकी स्किन से पिगमेंटेशन वगैरह को भी लाइटन करती है, जितने भी पुराने स्पॉट्स वगैरह हैं उनको भी लाइटन करती है। ओवरऑल जो कर्ड है ये काफ़ी फायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। तो इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब इसके अंदर मैं एक और इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी जो कि है काओलिन क्ले। काओलिन क्ले जो है ये स्किन व्हाइटनिंग के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, और आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को पहले से ब्राइटन करती है, टैनिंग को दूर करती है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है। काओलिन क्ले जो है ना ये मैंने जो है हेल्थ विट का लिया है। आप किसी भी कंपनी का जो है ना काओलिन क्ले इस्तेमाल में ला सकते हो। असल में काओलिन क्ले को कहते क्या है, चिकनी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, और उसी तरह से ये चिकनी मिट्टी जो होती है उसको काओलिन क्ले बोलते हैं। तो अब इन चीज़ों को जो है ना आपने अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ से टेक्सचर का जो है ना पेस्ट रेडी कर लेना है, पैक रेडी कर लेना है, और मैं फटाफट से अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह से हमारा ये पेस्ट रेडी हुआ है। गाइस जो काओलिन क्ले होती है जो हमने इसमें इस्तेमाल में ली है, ये आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को भी हटाती है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को भी ट्रीट करती है, और ये आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। जैसा कि गर्मियां हैं तो गर्मियों में ये आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करती है, स्किन से जितनी भी डस्ट वगैरह होती है उसको भी हटाती है, और आपकी जो स्किन के सेल्स हैं उनको रीजनरेट करती है। तो काओलिन क्ले के अंदर ये जो दो चीज़ें और ऐड की हैं उससे इसका कॉम्बिनेशन जो बना है वो बहुत बढ़िया है। तो अगर आप इस पेस्ट को लगाओगे अपने फेस पर तो आपके फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है वो पहले से काफ़ी निखर कर आएगा, ब्राइटन होगा। इस पैक को आप हफ्ते में 2 से 3 बार फॉलो कर सकते हैं अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। इस पैक को अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, टॉवल ड्राई कीजिएगा, और फिर इसको अपने पूरे फेस पर और नेक पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और फिर 15 to 20 मिनट्स तक इसे अपने फेस पर रखिएगा, फिर नॉर्मल पानी से अपनी स्किन को वॉश कीजिएगा। बस और कोई तरीका नहीं है इसको इस्तेमाल में लाने का, बहुत बढ़िया पैक है, जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइज आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलूंगी आपको फिर से अच्छे से अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।